प्रयागराज में गंगा और घाटों पर शव मिलने की खबरों के बाद प्रशासन सतर्क है। सीएम योगी के निर्देश के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन नगर निगम लोगों को जागरूक करने के साथ लोगों की मदद भी कर रहा है। प्रयागराज के अलग अलग शमशान घाटों पर पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, सिविल डिफेंस और साथ ही पीएसी के साथ साथ जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। जहाँ अब मौत के आंकड़े कंट्रोल में है, वहीं गंगा नदी में और घाटों के किनारे शवों का अंतिम संस्कार रुक गया है। लोगों का सहयोग मिल रहा है। पहले सबसे पहले तो लोग ही मोटिवेट कर रहे हैं कि आप यहाँ दफना नहीं सकते हैं। प्रवाहित करना तो एकदम बंद ही हो गया था, जो हो गया है अब उसकी कोई बात ही नहीं है। इधर हमको लगता है 10 दिन के अंदर जो है 3 मामले ऐसे आए जिनमें जो हम लोगों ने बात करके और उनको मोटिवेट किया, तो जो गरीब थे उनको, 2 लोगों को हमने लकड़ी भी दिलवाई है, 3 लोगों को, और शेष लोगों ने जो स्वतः अपना लकड़ी लेकर के जो है उसको जो जलाया है। पेट्रोलिंग लगातार 24 घंटे हमारी पुलिस पार्टी है, पीएसी है, जल पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम है। इस तरह से हमारे अगर रेंज की बात करें तो फतेहपुर में हमारे पास गंगा और यमुना नदी है, कौशाम्बी में है गंगा, और प्रतापगढ़ में छोटा सा एक पोर्शन पड़ता है, वहाँ भी हमारी पुलिस फोर्सेज हैं जो नदी के किनारे इस बात पर ध्यान रखते हैं।